मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टेविद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ, और आज की जो वीडियो है वो अनबॉक्सिंग है, उसके साथ साथ जो है डेमो भी है। जिस भी प्रोडक्ट का मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो मैं आप लोगों के सामने ही शेयर करूँगी, आप लोगों के सामने ही करूँगी फर्स्ट एप्लीकेशन। तो थंबनेल से, टाइटल से पता चल ही गया होगा कि मैं किन प्रोडक्ट्स की जो है अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। और पीछे से आप लोगों को जो है थोड़ी सी शोर की आवाज़ आएगी क्योंकि मेरे एरिया में मिलाद खानी हो रही है, तो उसकी आपको नात खानी है उसकी आवाज़ थोड़ी सी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पार्सल मेरा मुझे कुछ इस तरह से रिसीव हुआ है, ठीक है। ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ है, मैं इसके पैसे आपको दिखा दूँ। मैंने इसकी जो पेमेंट करी है वो है 5,500 रुपये, ये आप देख सकते हो। ओके, मैंने कहा मेरा एड्रेस तो नज़र नहीं आ रहा भाई। ये है 5,500 रुपये मैंने इसकी पेमेंट करी है और ये मुझे आज रिसीव हुआ है। मैंने 20 नवंबर को जो है ऑर्डर प्लेस करा था और आज जो है 26 है, तो मुझे ये आज रिसीव हो गया 6 दिन के अंदर अंदर। और मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी बेसब्री से कि ये प्रोडक्ट जल्द से जल्द रिसीव हो जाए। तो चलिए जी, यहाँ से जो है इसको पार्सल को हम फाड़ लेते हैं, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सीज़र रखी थी और पता नहीं अभी मैंने कैमरा के आगे बैठी हूँ और सीज़र पता नहीं कहाँ रख दी। अच्छा जी, तो ये इस तरह से लॉ दे दो मुझे सीज़र, तो मैं इसको जो है कटिंग कर लेती हूँ, ठीक। सबसे पहले निकालते हैं क्या निकलेगा। तो ये है SL बेसिक, SL मीन्स एस फॉर शाइस्ता, L मीन्स लोधी, शाइस्ता लोधी। तो जी हाँ, मैंने शाइस्ता लोधी के प्रोडक्ट जो हैं वो मैंने ऑर्डर किए थे, ठीक है। एक ये हो गया है, पहले सारे मैं निकाल लेती हूँ पार्सल में से, उसके बाद फिर वन बाय वन मैं ओपन करूँगी। सेकेंड आ गया, वो भी कुछ सेम पैकेजिंग है इस तरह से ही, ठीक। उसके बाद थर्ड मेरा पार्सल जो है वो है इस तरह से, ठीक है। ये 3 पार्सल मुझे रिसीव हुए हैं, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लग रही है और अंदर कुछ भी नहीं है, मैंने सोचा था कोई गिफ्ट विफ्ट आ जाए। खैर, अच्छा जी, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये इसमें क्या है, इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। वैसे मैं बता दूँ आपको कि मैंने जो है 3 ऑर्डर्स जो हैं मतलब प्लेस किए थे, एक मैंने इनकी मंगाई थी बीबी क्रीम। वाओ, पैकेजिंग देखो, पैकेजिंग बहुत प्यारी है, लग्जरियस पैकेजिंग है इसकी। और एक मैंने मंगाया था इनका गोल्ड एंड पर्ल्स सीरम, जो कि कुछ इस तरह से मुझे रिसीव हुआ है। पैकेजिंग आउटस्टैंडिंग, पैकेजिंग बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त ही पैकेजिंग है, बिल्कुल लग्जरियस है, ठीक है। तो यह है इनका गोल्ड एंड पर्ल्स सीरम फॉर यूथफुल एंड ल्यूमिनियस स्किन। इसकी मैंने बहुत बहुत तारीफ़ सुनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त रिव्यूज़ इसके मैंने जो है रीड किए थे। उसके अलावा मैंने खुद शाइस्ता लोधी को जो है इसकी तारीफ़ करते हुए सुना था, शाइस्ता लोधी जो एक वीडियो में इसको यूज़ भी कर रही हैं और बीबी क्रीम जो है उनकी वो भी यूज़ कर रही हैं, तो मैंने वो भी ऑर्डर करी है। तो ये कुछ इस तरह से है, फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है इसकी और ये कुछ वाइट कलर में है। मेरा हाथ पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा कांप रहा है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये बॉटल इसकी कुछ इस तरह से, इसमें पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं पर्ल ऑक्साइड गोल्ड कोकोनट एलोवेरा रोज़ वाटर, डायरेक्शन है अप्लाई 4-6 ड्रॉप्स ऑन क्लींस स्किन डेली, कीप स्किन हाइड्रेट, शेक वेल बिफोर यूज़, कीप एंड कूल। जब शाइस्ता लोधी इसको यूज़ कर रही थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि उसको अच्छी तरह से शेक करना है, और ये उनका स्टार प्रोडक्ट है, उनको खुद ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके अंदर जो इसका नाम है गोल्ड एंड पर्ल, तो उसके अंदर गोल्ड जो है वो उसके फ्लेक्स हैं और जो पर्ल है उसका जो ओरिजिनल जो पर्ल्स होते हैं उसको पीस कर उसका पाउडर इसके अंदर जो है ऐड किया गया है। तो ये पर्सनली उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उन्होंने इस प्रोडक्ट को स्टार प्रोडक्ट का नाम दिया है। तो फिर मैं मुझसे रुका ही नहीं गया और मैंने फ़ौरन से इसको जो है ऑर्डर किया, ठीक है। इसके जो इंडिविजुअल जो मैं प्रोडक्ट की प्राइस आपको बताऊँ तो 2200 रुपये हैं, ठीक है, 2200 रुपये इसकी प्राइस है। मैंने 3 चीज़ें मंगवाई हैं तो मुझे 3 चीज़ें जो पड़ी हैं वो 5,500 की पड़ी हैं, ठीक है। ये इस तरह से इसमें आ गया। सेकंड प्रोडक्ट जो है हम इसका ओपन कर लेते हैं, वो है ये, इस तरह से इन्होंने टेपिंग करी हुई है, टेपिंग की हुई है इस तरह से इन्होंने,
वाओ, पैकेजिंग सच में वाओ है। और ये है SL बेसिक की सेफ्रॉन ग्लो क्रीम 100 ग्राम्स। ठीक है, जार आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा जार है, प्लास्टिक का जार है। एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें जो है वो है विटामिन ए बी ई एंड बी थ्री। ठीक है, आर्बोटिन है, जिंक ऑक्साइड है, सिट्रिक एसिड है, सेफ्रॉन है। डायरेक्शन ऑफ यूज है वॉश फेस, अप्लाई ऑन डैम्प स्किन, स्प्रेड इवनली टू योर फेस। ओके, डैम्प स्किन पे मतलब हल्की हल्की, जो आप स्किन गीली होगी उस पर इसको अप्लाई करना है। क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। फ्रेग्रेंस इसकी कुछ क्या कहूँगी, कुछ मेडिकेटेड टाइप की फ्रेग्रेंस है इसकी, ये देख सकते हैं येलोइश कलर में ये है। और अप्लाई करने के बाद ही पता चलेगा क्या रिजल्ट है, कैसा है। क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये सब की मैं एप्लीकेशन आपके सामने करने वाली हूँ वन बाय वन। थर्ड जो प्रोडक्ट है हमारा वो देख लेते हैं, वो है, इसको ओपन कर लेती हूँ, टेपिंग हुई भी है यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है। थर्ड जो है इनकी वो है बीबी क्रीम, बीबी ब्लॉक, ये देख सकते हैं आप। ठीक, अच्छा जी, इसका जो शेड है वो है ओक, जो कि शायस्ता लोधी खुद यूज़ करती हैं, उनके स्किन पर जो है काफ़ी अच्छे से सूट होता है। तो मैंने भी यही मंगवाया क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे स्किन पर भी यही सूट होगा, क्योंकि इसमें एक है मोगनी, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, मोगनी है, मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूँगी उसका नाम, मोगनी है उसका कलर, और मोगानी है मोगनी है मुझे याद नहीं है, वो डार्क शेड है और ये थोड़ा सा जो है लाइट शेड है। उस वक्त देखिए उनके जो स्वाचेस हैं वहाँ पर जो है स्वाच उन्होंने जो इंसर्ट करे हुए हैं वो मुझे सही से समझ नहीं आ रहे थे, तो मैंने काफ़ी जो है टाइम लिया था कि ये, अरे वाह ज़बरदस्त यार, देख सकते हो आप, जैसे कि शायस्ता लोधी कह रही थी कि ये जो क्रीम है बीबी क्रीम, इसको बनाने में उन्होंने बहुत टाइम लिया था, क्योंकि वो जब जाती थी चेक करती थी और नॉट अप्रूव वो करती थी, कहती थी कि नहीं मुझे पसंद नहीं आई। जब तक उनके हिसाब से बीबी क्रीम नहीं बनी, जब तक उन्होंने अप्रूवल नहीं दी थी, वो बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि उनका कहना ये था कि, मैं शायस्ता लोधी की वीडियो देखी थी तो मैं बता रही हूँ कि उनका ये कहना था कि जब वो बीबी, जब फेस पर वो एप्लीकेशन करती थी बीबी क्रीम की या फाउंडेशन की, तो वो 5 चीज़ें मिक्स कर लिया करती थी, अपना सनब्लॉक भी, मॉइस्चराइज़र भी, फाउंडेशन भी और टिंट भी, इन सबको मिक्स करके वो फेस पर अप्लाई करती थी, तो उनको बहुत टाइम लगता था। तो उनका खुद का ये था कि मैं एक ऐसा बीबी क्रीम लॉन्च करूँ जो कि इन सब चीज़ों का एक हो, ऑल इन वन हो, और ऐसा हो कि फेस पर लगाते ही वो स्किन पर एकदम ब्लेंड हो जाए और कुछ फील भी ना हो कि आपने स्किन पर कुछ लगाया। और मुझे उसका टेक्सचर बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है, मैं आपको हाथ पर लगा के इसको थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने लगा लिया काफ़ी सारा, और सीरियसली गाइस बिल्कुल वो जो कह रही थी, ये आप देखो, ये एक तरह से बीबी क्रीम है, ये बिल्कुल स्किन में ऑब्जॉर्व हो गया, ये देखो आप, वाओ, इसे तो वाओ कहने का दिल चाह रहा है, ये देख सकते हो आप, ये बिल्कुल स्किन में ऑब्जॉर्व हो गया और ऐसा लग रहा है कि आपकी स्किन टोन ही ऐसी है, कुछ भी फील नहीं हो रहा। मैं आपको फेस पे भी इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी। फ्रेग्रेंस ही बहुत माइल्ड सी, बहुत ही प्यारी सी, कोकोनट की भी है। इसके इंग्रेडिएंट्स हम पढ़ लेते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो कोकोनट है, देखा मैंने कहा ना कोकोनट के इंग्रेडिएंट इसमें फ्रेग्रेंस आ रही है, कोकोनट, संदल, वाइट जिंक ऑक्साइड और कुछ माइका ऑक्टल लिखा है, और गुले अनार है इसके अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त यार, अमेजिंग। मुझे खुद को तलाश रहती है कुछ ऐसी बीबी क्रीम की हो जिसमें हल्का सा टेंट हो और फेस पर लगाने के बाद फील भी ना हो कि आपने कुछ लगाया है और फेस भी आपका बहुत प्यारा लगे। अब बाकी एप्लीकेशन मैं फेस पे करूँगी तो पता चलेगा कि कैसा रिजल्ट है। हाथ में तो फील हो रहा है कि वाकई एकदम से ये जो है स्किन में ऑब्जॉर्ब हो गई है, बहुत ही स्मूथ स्किन हो गई है, वाओ। चलो जी, इसका फर्स्ट जो है हम यूज़ करते हैं वो है इसका गोल्ड पर्ल सीरम।
ये आप देख सकते हो मैंने सीरम अप्लाई किया है और फेस बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, बहुत ही फ्रेग्रेंस बहुत प्यारी है इसकी। और आप फेस देख सकते हो मेरा बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, बहुत सॉफ्ट। बाकी जो रिव्यू है इसका वो तो मैं काफ़ी टाइम इसको यूज़ करूँगी, उसके बाद ही मैं कम से कम 1 से 1.5 महीना यूज़ करूँगी, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी क्या है इसका रिज़ल्ट। अभी मैंने फ़र्स्ट एप्लीकेशन आप लोगों के सामने करी है, ठीक है। अब हम अप्लाई करते हैं इसकी सैफ्रॉन क्रीम, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से है। की कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी थिक है, देख सकते हो। इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी थिक है, देख सकते हो, और काफी मजे के साथ ये ब्लेंड हो गई है। बहुत ही फेस जो है सॉफ्ट हो गया है एकदम से। इसकी फ्रेग्रेंस कुछ हटकर है बिल्कुल, नेक पे भी लगाएं अच्छे से। ये देखो आप, सिर्फ जो इसका सीरम और मैंने क्रीम अप्लाई करी और काफ़ी अच्छा जो है फेस लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है फेस, सीरियसली यार। चलो अब हम इसकी बीबी क्रीम जो है वो अप्लाई करके देखते हैं। अच्छे से इसको भी शेक कर लेते हैं। वैसे देखने में तो बहुत ज़्यादा थिक लग रही है इसकी कंसिस्टेंसी, लेकिन बहुत ही मज़े से जो है ये फेस पर अप्लाई हो रही है, ये देख सकते हैं। न्यू है, थोड़ा टाइम लेगी आने में, क्योंकि जब न्यू पंप हम यूज़ करते हैं तो ऐसा ही होता है। हाँ भी जाओ, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी थिक क्यों लग रही हो रही पंप से, क्यों नहीं हो रही पंप आउट, वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर कोकोनट ऑयल है, और जैसा कि आपको पता है विंटर्स चल रहे हैं तो ये जो है जम गया है कोकोनट ऑयल, जिसकी वजह से ये पंप आउट नहीं हो रही है। तो मुझे इसको जो है यहाँ से ही यूज़ करना पड़ेगा, मैं इस तरह हाथ पे निकाल लेती हूँ। ठीक है, वाओ यार अमेजिंग, सीरियसली गाइस बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये मेरा काजल पहन लिया, मैंने काजल लगाया हुआ था, उससे गलती हो गई, ये देख सकते हो। बहुत ही बेहतरीन जो है इसकी बीबी क्रीम है, और
अच्छा मज़े की बात जो है इसमें मैं आपको बताऊं कि ऑल इन वन प्रोटेक्शन है, मैटिफाइंग है, मैटिफाइंग फिनिश, सन प्रोटेक्शन है। ये जो है आपको आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखेगी क्योंकि इसमें कोकोनट ऑयल, उसके अलावा SPF भी इसमें शामिल है, ठीक है, और आपको सन से प्रोटेक्ट भी करेगी। और आप देख सकते हो ये एकदम से ब्लेंड हो गई है स्किन में, फील ही नहीं हो रहा कि मैंने कुछ लगाया हुआ है। मुझे सच में फर्स्ट एप्लीकेशन में तो ये बहुत पसंद आए हैं। बीबी क्रीम तो ऑसम है। बाकी सिरम और क्रीम का जो रिव्यू है वो मैं आप लोगों के साथ कम से कम 1 से 1.5 महीने बाद जो है मैं वो शेयर करूँगी, लेकिन अभी आप देख सकते हो। फर्स्ट एप्लीकेशन में तो मुझे प्रोडक्ट्स इनके काफ़ी पसंद आए, लेकिन बाकी जैसा कि मैंने कहा कि मैं पूरा जो प्रॉपर रिव्यू है सीरम का और क्रीम का वो मैं 1 से 1.5 महीना यूज़ करूँ, उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो पता ही क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन है टिंग 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 उसको प्रेस करना है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।